अस्सलाम वालेकुम। आज हम वाइट चॉकलेट कप विद मैंगो मूस बना रहे हैं। इसके लिए हमें मैंगो मूस चाहिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वाइट चॉकलेट को 30 सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव कर लें, उससे ज़्यादा ना करें, नहीं तो वो सीज हो जाता है चॉकलेट। चॉकलेट को अच्छी तरह से फास्ट फास्ट मिक्स करना है ताकि वो लिक्विड फॉर्म में आ जाए। अब ब्रश के मदद से हम पेपर कप में पूरा स्प्रेड करके उसे लगा लेंगे, वाइट चॉकलेट को लगा लेंगे। इस तरीके से आप स्मॉल ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं, बिग ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। हम फास्ट फास्ट करना है, इसीलिए हमने बड़ा ब्रश यूज़ किया है, क्योंकि वो सेट हो जाता है चॉकलेट फास्ट। अब हम उसको फिर लगाने के बाद फ्रीज़र में रख दें 15 मिनट्स के लिए। ये हम डबल कोटिंग कर रहे हैं चॉकलेट का, और ये करना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट कोट में आपका टूट जाएगा कप्स। डबल कोटिंग अच्छी तरीके से चारों तरफ लगा लें, उसके बाद फिर से 15 मिनट्स के लिए सेट करेंगे फ्रिज में। अब हम इसका पेपर निकाल रहे हैं, पेपर कप का, और आपका पेपर का चॉकलेट कप तैयार है, वाइट चॉकलेट कप तैयार है आपका। इस तरीके से आराम से निकालें, नहीं तो वो बहुत डेलिकेट रहता है, टूट जाएगा। अब हम इसके अंदर मैंगो मूस फिल करेंगे। पहले पूरे कप्स को सेट कर ले प्लेट में, अब उसमें मैंगो मूस फिल कर लें। आप कोई भी नोज़ल से कोई भी दूसरा डिज़ाइन डाल सकते हैं, हमने रोज़ डिज़ाइन डाला है इस तरीके से। पूरे कप्स में मूस को भरकर उसमें फिर हमने डेकोरेट किया है, वाइट मूस के साथ में भी डेकोरेट किया है। फिर इसको आप 15 मिनट्स के लिए सेट करें, और फिर ये आपके बच्चों के लिए खाने के लिए तैयार है। बच्चों को बहुत पसंद आता है, ये देखकर ही बहुत खुश हो जाते हैं। वाइट चॉकलेट विथ मैंगो मूस तैयार है खाने के लिए। छील करें और सर्व करें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।